अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हबीबा जमाल और आज मैं आप सबके साथ एक न्यू रेसिपी रंगीन जर्दी की शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी चाची से सीखी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है चीनी, बादाम, किशमिश, ऑरेंज के छिलके। कलर्स हमने लिया है ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। ऑल पर जैसे मैंने आपको बताया था हमारे घर ऑल पर का दूध इस्तेमाल होता है। और बॉयल चावल, हमने चावल को बॉयल कर लिया था अच्छे से धोने के बाद। ऑयल, इलायची, केवड़ा एसेंस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम लगाएंगे और एक पतीले में ऑयल डालेंगे, 7 से 8 अदर टेबलस्पून ऑयल और इलायची डालेंगे तौर के, ताकि अच्छे से इलायची की खुशबू ऑयल में आ जाए। जब खुशबू आ जाए तो हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे, क्योंकि हमने 3 कप चावल लिए थे। अगर आप चावल ज़्यादा तो आप ज़्यादा चीनी डालें। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे दूध, मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है और इसमें चीनी में डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। किशमिश और ऑरेंज के छिलकों से अब हम पानी हटा देंगे। और डाल देंगे अब मैंने इसमें बॉयल चावल डाल दिए हैं और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक देंगे। इसके ऊपर झाग आ गई है, इसे मैंने लगभग 10 मिनट्स के लिए ढक के रखा था। इसको अब मैंने अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है। और याद रहे, आपने लो फ्लेम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना। और अब हम और 10 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे ढक के। अब आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल सही से बन चुके हैं। अब हम इसमें कलर्स डालेंगे। कलर्स आप, मैं इनको मिक्स नहीं करूंगी, आप भी इनको मिक्स ना करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कलर्स डाले हैं, आप इससे ज़्यादा ना डालें। और बादाम डाल लेंगे, इनको मिक्स नहीं करेंगे। अब इनको हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए। अब हमारे रंगीन जर्दा बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे आपको दिखाने के लिए।
लीजिए, हमारा रंगीन ज़्यादा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैंने जब इनको दम पे रखा था तो मैंने इसमें केवे एसेंस डाल दिया था, 2 to 3 drops, तो आप भी डाल लेना। और अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। अल्लाह हाफिज़। आप अमल को अपनी न्यू रेसिपी में। बाय बाय।